आदरणीय गुरुदेव के दर्शन हुए और इस पावन मंच पर कविता पाठ का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हम कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं तो श्री गणेश भगवान की वंदना से प्रारंभ करते हैं, और कहीं साहित्यिक अनुष्ठान की बात आती है तो माँ वीणा पाणी की वंदना से प्रारंभ करते हैं। मंच का आदेश हुआ है, आइए मैं माँ की वंदना पढ़ना चाहती हूँ। अपने सभी कवि साथियों से भी मैं आदेश चाहती हूँ, माँ की वंदना पढ़ना चाहती हूँ। मेरे साथ मन से सम्मिलित हो जाइए, मेरे बहुत मन से वंदना कहिए। आप लोग मन से सुनिएगा, माँ के आह्वान में एक बार जोरदार तालियां दीजिए। मैं प्रारंभ करती हूँ। शारदे वंदन है शतबार, शारदे वंदन है शतबार, हाथ जोड़ कर विनती करने आई तेरे द्वार। हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार, हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। शारदे वंदन है शतबार, का खगा का ज्ञान नहीं है, सही गलत का मान नहीं है, का खगा का ज्ञान नहीं है, सही गलत का मान नहीं है। मेरे उर के तन को हर कर, मेरे मन के तन को हर कर, फैला दो उजियार। शारदे वंदन है शतबार, और माँ के श्री चरणों में शब्द रूपी सुमन समर्पित करना चाहती हूँ। वंदना का अंतिम पद निवेदित करती हूँ, सुनेगा। आखरी आखरी हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली, आखरी आखरी हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। मैं जब गाऊं गीत सावनी, मैं जब गाऊं गीत फागुनी, छलक उठे रसधार। शारदे वंदन बारंबार। जय मां शारदे।